Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz bachcho, aapke liye chapter number 6 ka jo grammar portion hai class 6 ke liye wo ab hum yahan pe leke aaye hain. Grammar wala jahan pe aapko complete hua hai to ab ye aapko bahut aasani se samajh mein aayega ki ye likha kya hai. To ye hai page number 89 pe hai aapke book mein. Yahan pe dekhiye, ab yahan pe aapko diya gaya hai, you have been given a sentence in your book. Aapko ek sentence diya gaya hai, कहा गया है कि रीड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़ें. आई स्टैंड ऑन द पॉमेंट, अब मैं खड़ा हूं. ये देखिए, ये हमारा वर्ब है स्टैंड, ये हमारा वर्ब है स्टैंड, खड़ा हूं किस पे, पॉमेंट पे. पॉमेंट वही है फुटपाथ पे, ठीक है. अब इस सेंटेंस के बारे में इसने लिखा है, स्टैंड जो है, ये जो हमने आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बोला था, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि हम स्टैंड की बात कर रहे हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर एनी नाउन जिसमें, ठीक है, एनी सिंगुलर नाउन वाला हो गया. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मातिस मैं और आप बात कर रहे हैं इसकी, स्टैंड की. तो स्टैंड इस, ये है ए फिनिट वर्ब है, ये फिनिट वर्ब है. आपको सीखना था फिनिट वर्ब क्या है, क्योंकि मैंने बोला था आपको पहले, फिनिट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के साथ, उसके नंबर और पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और उसका टेंस के साथ ये बदल जाता है, जिसमें आई स्टैंड है. अगर मैं इसको आपको यहीं पे समझा दूं, इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर मैं इस सब्जेक्ट को आई के जगह पे ही लिख दूं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्टैंड पे एस लगाएंगे, स्टैंड्स हो गया, ठीक है. अगर मैं इसी को पास्ट कर दूं, ही स्टूड हो जाएगा. तो ये देखो, ये फिनिट वर्ब क्यों है, क्योंकि ये टेंस में और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से ये बदल रहा है. ये हो गया फिनिट वर्ब. देखो, अब हमने वो जो कि हर चीज कुछ होता है, वो अब जो हमको एग्जिस्टेंस शो करता है वगैरह कहा था, तो यहाँ पे ये एग्जिस्टेंस शो कर रहा है. स्टैंड इज ए फिनिट वर्ब, स्टैंड एक क्या है, फिनिट वर्ब है. इट इज, ये फिर से है क्या है, द मेन वर्ब, मेन वर्ब इन द सेंटेंस. इस सेंटेंस का मेन वर्ब जो है यही है, ठीक है, आते हैं प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है. और इट हैज, देखो आप, देखो इसका पोजेशन है, यहाँ पे आपका पोजेशन आ गया कि इसके पास क्या है, इट हैज ए सब्जेक्ट, उसका एक सब्जेक्ट है, ठीक है. एंड और चेंजेस, देखो फिर से वर्ब का, वर्ब पर एस या ई एस हमने ऐड किया हुआ है, एस लगा हुआ है. इट चेंजेस, यानी यही ये स्टैंड जो है, इट चेंजेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के हिसाब से और नंबर के हिसाब से. अब ये टेंस और नंबर हमने पहले सिखाया है. नंबर वाली बात करें तो आई, वी, यू, यू सिंगुलर है या प्लूरल है, ही, शी, इट और दे वाला, ये वाला आइडिया है. देखो फिर से इसी पे डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही कहा था, तो इस पे डिपेंड करेगा आपको, तो इसके हिसाब से ये बदल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं फिनिट वर्ब. ये हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस दिया, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. अब ये सेंटेंसेस पढ़े, आई एम स्टैंडिंग ऑन द पॉमेंट. अब देखो, मैं खड़ा हूं, आई एम, देखो आई एम है, स्टैंडिंग ऑन द पॉमेंट है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमने आपको सिखाया था. दे आर है, देखो दे आर, अब देखो ये सब्जेक्ट बदल रहा है, इसका नंबर और पर्सन बदल रहा है. स्टैंडिंग ऑन द पॉमेंट, वो स्टैंडिंग, खड़े हैं. अब हमारा नंबर और पर्सन फिर से बदल गया, देखो ये ही हो गया थर्ड पर्सन, और ये इस में बदल गया, ही इज स्टैंडिंग. तो आप इसमें सीधे सीधे नोटिस कर सकते हो कि स्टैंडिंग इसमें भी है, स्टैंडिंग इसमें भी है, स्टैंडिंग इसमें है, यानी ये बदल नहीं रहा है. तो ये क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये तो ना ही नंबर और पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, या अगर इस पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल करते हैं, वी भी लिख दे, तो वी आर स्टैंडिंग, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये नहीं बदल रहा है. और ये एम, आर, इस, ये बदल रहा है, तो ये भी फिनिट वर्ब है. अगर मैं इसको पास में लिखूं, अब आपका फायदा यह होगा कि आपने पहले वाला किया हुआ है, तो अगर मैं इसको पास कर दूं, तो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द फॉर्मेंट, ये वही रहेगा. अब इसको कर दूं दे या वी या यू लिख दो, तो इस पर आप यू भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट बदल सकते हो, आप इसको बदल सकते हो, तो इसमें आर के साथ आप क्या हो जाएगा, पास में वेयर हो जाएगा, तो ये फिर से नहीं बदल रहा है. ही शी, आप यहां पर ही शी के साथ आप इसका अगर पास कर दें, तो वॉज हो गया, तो ये नहीं बदल रहा है. तो ये देखो, जो ये स्टैंडिंग है, ये नॉन फिनिट है, क्योंकि ये बदल नहीं रहा है. अब देखो यहां पे, हियर
स्टैंडिंग, अब हम स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन है फिर से, इस देखो थर्ड पर्सन की हम इस यूज कर दें, ये स्टैंडिंग है, एक ही है तो है ए नॉन फिनिट वर्ब, ये कैसा है नॉन फिनिट वर्ब, इट डज नॉट चेंज। देखो अब ये हमने आपको नेगेटिव पॉजिटिव वाले में सिखाया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम डज यूज करते हैं, इट डज नॉट हैव, देखो पोजेशन में बोला था आई हैव ए पेन, यू हैव ए बुक, यू हैव ए कॉपी इन योर हैंड, तो इट डज नॉट हैव इसका नहीं है, क्या नहीं है, ए सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट भी नहीं है, एंड डज नॉट चेंज, और ये देखो ये बदलता भी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं बदलता है फॉर्म शक्ल टू शो, देखो इन्फिनिटिव बोला था, व्हाई इट डज नॉट चेंज इट इज फॉर्म, इट डज नॉट चेंज इट इज फॉर्म टू शो, दिखाने के लिए टेंस और नंबर, यानी अगर का तो स्टैंडिंग लिखेंगे तो आपको ना ही सिर्फ स्टैंडिंग लिखेंगे तो ना आपको नंबर का पता चलेगा सिंगुलर है प्लूरल है, ना ही आपको टेंस पता चलेगा, ना ही ये पता चलेगा कि ये फर्स्ट पर्सन है सेकंड थर्ड है सिंगुलर है प्लूरल है या ये प्रेजेंट टेंस में है पास्ट टेंस में फ्यूचर में, ये पता नहीं चलेगा। तो आपको आप पीछे एक्सरसाइज दिया हुआ है बुक पे कि आप यहां से पता करें कि देखो आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज वर्ब्स, तो यहां पे देखो फिर से आइडेंटिफाई करें आप, ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आप आइडेंटिफाई करो, मैंने बोला था विच ऑफ दीज वर्ब्स, इनमें से कौन से वर्ब्स आर, देखो हिमोत बना आर है फिनिट एंड नॉन फिनिट, कौन से फिनिट है और नॉन फिनिट है, अब आपको इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट देन इन द करेक्ट कॉलम, अब आपको कॉलम दिया हुआ है इस कॉलम में आपने भरना है, जिसको मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है आपके लिए, देखो राइट है, क्योंकि अगर अब ये आप बोल सकते हो कैसे है सर इस कॉलम में कैसे लिखा, तो मैं समझा देता हूं, देखो अगर सिंपल प्रेजेंट में अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो ये यही होगा, अगर हम इसको ही कर दें तो इस पे एस लगेगा, ठीक है, ही के साथ क्या लगेगा एस लगेगा, अगर इसको पास कर दें तो ये ही राइट की जगह पे क्या हो जाएगा, ये ही राइट जो है आपका रोड में बदल जाएगा, ठीक है, वही आइडिया जो पहले बोला है, अब बिगिन है ये भी है, अब बिगन है सॉरी यहां पे ये परफेक्ट नहीं है ये फिनिट नहीं है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है, देखो बिगिन है, बिगिन पास्ट है, असल में ये क्या है बिगिन है, तो प्रेजेंट में ये बिगिन था पास्ट में ये बिगिन हो गया, अगर ये प्रेजेंट में कोई थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे तो हमें थर्ड पर्सन के लिए एस यूज करना पड़ेगा, ठीक है बिगेन्स, ठीक है, तो लाइट भी है, लाइट पे अगर हम प्रेजेंट में अगर ये थर्ड पर्सन के साथ हो तो एस हो जाएगा, अगर पास्ट में हो जाएगा तो ये लाइट हो जाएगा, तो ये भी फिनिट वर्ब है क्योंकि ये बदल जाएगा टेंस के साथ नंबर के साथ पर्सन के साथ, चूज देखो अगर थर्ड पर्सन होगा तो हमें एस एड करना पड़ेगा, ही मसलन ही चूजेस तो एस एड हो गया, अगर हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो ई के साथ डी लगे ही चूज हो गया, तो ये चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के साथ टेंस के साथ, फॉरगेट देखो फॉरगेट्स लिखा हुआ है आपके इसमें फॉरगेट्स, अगर ये थर्ड पर्सन के साथ होगा तो ये फॉरगेट्स ही होगा, अगर वी लिखें वी फॉरगेट तो आप फॉरगेट ही लिखेंगे एस नहीं लगाएंगे, तो ये फिर से चेंज हो रहा है, अगर इसको पास में लिखेंगे तो ये फॉरगेट जो है आपका क्या हो जाएगा फॉरगॉट हो जाएगा, तो ये पास हो रहा है, ठीक है, ब्रेक देखो पास है ये ब्रेक, अच्छा ये प्रेजेंट है, अगर थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे तो ब्रेक्स हो जाएगा, अगर इसको पास कर देंगे तो ही ब्रोक तो उसने तोड़ा ये कह सकते हैं आप, तो ये है देखो ये सारा आइडिया कि ये चेंज हो रहा है टेंस के साथ नंबर के साथ पर्सन के साथ, और ये वाला जो है ये बिल्कुल बदल नहीं रहा है, बिगन बिगेन बिगन बिगन होता है, ठीक है बिगिन बिगेन बिगन होता है, अब आपको बोला था कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है वो बिल्कुल नहीं बदलता है, जिसमें जैसे कि रिटन बोला था डन बोला था और वो जैसे कि आई हैव ब्रोकन He has broken, she has broken. I had begun, they had begun, she had begun. आप प्रेजेंट में लिखो I have begun, you have begun, they have begun. तो ये बिल्कुल forgotten भी वही है, तो आपको पता चलेगा जिस दिन आपको जब ये पता हो और आपको helping verbs का पता हो, helping verbs कौन से, ये be का forms जो होता है एक, आपको do का form बोला था और आपको बोला था have के form, तो आप हर चीज आसानी से पता कर सकते हो, इनके साथ हैव होता है जब आप भी अब पता करेंगे, इनके साथ हैज होता है थर्ड पर्सन के साथ और इनके साथ हैड होता है जो बिगन वाला है, आईएनजी वाला नहीं, आईएनजी वर्म के साथ ही आईएनजी वर्म के साथ क्या होता है इस एमआर वाला होता है इनके साथ, ये इन तीनों के साथ एक दो और तीन, तो इनके साथ आपको पता आसानी से पता चल जाएगा
थर्ड फॉर्म यूज किया है क्योंकि ये ही यूज किया उनके साथ। ठीक, इनके साथ तो आपको पता है ये जो सर्कल के इनके साथ इस एम आर वर वगैरह यूज किया होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। खुदा हाफिज़।